इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में डीपीएस स्कूल के कंप्यूटर प्रोग्राम मैनेजर को बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल प्रोग्राम मैनेजर को एम्बा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के निरंजनपुर का है। यहाँ डीपीएस स्कूल के प्रोग्राम मैनेजर जॉर्ज जोसेफ स्कूल से अपना काम खत्म कर घर जा रहे थे। इसी दौरान निरंजनपुर के पास उनकी कार के आगे तीन बाइक सवार आए और उन्हें रोककर उन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद रहवासी उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें एम्बर रेफर किया गया। थाना लसूड़िया में उक्त व्यक्ति का जांच थाना आया था, जिसपे बताया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इन पर निरंजनपुर के आसपास कहीं धारदार हथियार से कुछ हमला किया गया है। आगे जांच आने की हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे जो भी होगा। पैसे को लेकर के की गई है, पैसा तो अभी बोला जा रहा है, पर आखिरी में अभी उनके बयान होंगे, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा जो भी। सर, ये कहाँ की घटना है? ये निरंजनपुर के आसपास के थाना लसूड़िया क्षेत्र। क्या नाम है? इनका नाम जॉर्ज जोसेफ है और ये डीपीएस स्कूल में कंप्यूटर प्रोग्रामर है। यदि डीपीएस स्कूल से ड्यूटी करके आ रहे थे तो वो कबीर खड़ी के वहाँ पे आ गए तो अंधा रहता, तीन लोग मोटरसाइकिल में आकर गाड़ी के सामने खड़ी कर दिया और इनसे पैसा मांगा और मोबाइल मांगा, तो इनके पास पैसा नहीं था तो गाड़ी से खींच के बाहर निकाल के चाकू मारना चालू करा। क्या नाम है? कम से कम जॉर्ज जोसेफ है। क्या करते हैं? ये डीपीएस में प्रोग्रामर है। बहरहाल मामले में लसूड़िया पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।